यूं तो होली का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन कान्हा की नगरी मथुरा में इसका विशेष महत्व है। बांके बिहारी के मंदिर में बसंत पंचमी के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है और इसी दिन से ब्रज में होली की छटा देखने के लिए मिलती है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में होली का रसिया गायन शुरू हो चुका है। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं का संगीतमय वर्णन ही रसिया के रूप में गाया जाता है और यह होली रसिया मुख्य रूप से ब्रज भाषा में ही होती है। ब्रज की होली और संगीत का आपस में बड़ा अद्भुत रिश्ता है। फागुन शुरू होने के साथ ब्रज के प्रमुख मंदिरों में होली रसिया गायन शुरू हो जाता है। हमारे ब्रज की होली है, ये बहुत अच्छी है। बहुत आनंद आया आपको लोगों के साथ होली खेली, किस तरह का आनंद आया? बहुत बहुत आनंद आया। हम ब्रजवासी हैं। आज होली को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभूति आनंद यहाँ देखने को मिला? यहाँ ठाकुर जी का आनंद बहुत है। हम भी नागदारा से आए तो ठाकुर जी के नगरी में हमको बहुत आनंद आ रहा है। अरे मैं बता नहीं सकती कितना खुश हूँ मैं। जिसमें सभी भक्त मंदिर में आकर वर्षों पुनारे ढप को बजाते हैं और होली के मदमस्त कर देने वाले रसियाओं को गाते हैं और जिन्हें सुनकर भक्त अपने आप को होली की मस्ती में झूमने से नहीं रोक पाते। दूर दूर से आए भक्त इन गानों पर झूमते नाचते हुए ब्रज की होली का आनंद लेते हैं और भगवान द्वारकाधीश को पुजारी और भक्त सभी गुलाल भी लगाते हैं। ये आयोजन द्वारकाधीश मंदिर में कई दिन तक चलता है, जिसमें ब्रज के भक्त ही नहीं बल्कि समस्त भारत के लोग शामिल होते हैं और यहाँ पर हर दिन होने वाली कई तरह से होली का आनंद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रज की प्रसिद्ध होली बिना होली रसिया गायन के अधूरी लगती है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए मथुरा से सुरेश सैनी की रिपोर्ट।